ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी मम्मी से नहीं मिलूं? हाँ, वो मुझसे नहीं मिलना चाहती ना, तो आप क्यों उनसे मिलते हैं? क्या कह रहा था ये बुड्ढा रोमियो? बोल रहा था कि हिचकी आ रही है। और क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुम्हारे लिए मैंने झुमका खरीदा है। अरे बेटा आकार, तुम यहीं पे तो काम करता हूँ। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले मुझसे मॉम भी मिलने आई थी, अभी चली गई है, वरना आपसे जरूर मिलवाता। कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। बहुत इंप्रेस लग रही हो समय से। इंप्रेस नहीं मॉम, मुझे उससे बात करके अच्छा लगा। ही इज अ नाइस गाय। तानिया, सिर्फ एक दो मुलाकातों में किसी के बारे में कोई राही नहीं बहाना लेनी चाहिए। अगर आप आज थोड़ी देर रुक जाती ना, तो मैं आपको समय के पापा से मिलवा। समय के पापा? हाँ, मिस्टर श्रीकांत, मिस्टर श्रीकांत चौहान। आपकी बात का कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप सच कह रही हैं। और अगर पुष्पा यहीं कहीं लंदन में है, तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। जेनिफर, तुम्हें इंडिया जाने की तैयारी करनी चाहिए। इंडिया? 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 रिचा, तुम्हें अपनी गुड़िया हमेशा अपने साथ रखने की क्या जरूरत है? आपको पता है, एक बार ये कहीं पे खो गई थी और मैंने पूरा घर देख लिया, पर फिर भी कहीं नहीं मिली। और फिर पापा इसे ढूंढ कर लाए थे। उसके बाद से मैं हमेशा इसे अपने पास रखती हूँ। तुम इसे अपने अलमारी में बंद करके रखोगी तो ये कहीं भाग तो नहीं जाएगी? ये कहीं भागेगी थोड़ी ना, क्योंकि ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अरे वाह, क्या बात है पापा। तुम्हारी रिचा बिटिया आज काम कर रही है। आप आ गए? तो हमारी रिचा बिटिया सब्जी काट रही थी। हाँ, ये बोर हो रही थी इसलिए मेरी मदद कर रही है। बोर हो रही थी, चलो इसका भी इलाज है हमारे पास। रिचा क्यों ना ऐसा करें, कल तुम मेरे साथ ऑफिस चलो, वहां पर मेरे साथ काम करो, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। ऑफिस? नहीं 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 नहीं, मैं वहां क्या करूंगी? उसकी फिक्र तुम मत करो, कॉल सेंटर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तुम उसे हैंडल करो, सब लोगों को लीड करो। कॉल सेंटर? नहीं नहीं पापा। घबरा क्यों रही हो? और भी लोग होंगे ना वहां तुम्हारी मदद के लिए, और लंदन से टीम भी आ रही है, वो भी तुम्हारी हेल्प करेगी। रिचा क्या सोच रही हो, मैं भी तो होऊंगा ना वहां पर, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, चलोगी ना? हाँ रिचा, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी। मैं आपको अभी कुछ नहीं बोल सकती, मैं सोच के बताऊंगी। नहीं, बाद में सोचना वोचना कुछ नहीं। देखो रिचा, आज तक मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, बहुत नरमी से पेश आया हूं मैं तुम्हारे साथ, लेकिन आज के बाद मैं सिर्फ एक बाप की तरह पेश आऊंगा, और ये बाप हमेशा तुम्हारा भला चाहता है। तुम कल मेरे साथ ऑफिस चल रही हो, मेरा हाथ बटाओगी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक नो फॉर एन आंसर, ओके? रिचा, रिचा, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपनी सोच को एक छोटे से दायरे में कैद करके रखो। मैं जानता हूं कि लंदन का नाम लेते ही तुम्हें तुम्हारी मां की याद आ जाती है ना? हाँ पापा। देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी मां को याद मत करो, तुम अपनी जिंदगी में यादों को इतनी अहमियत मत दो कि
आपकी जिंदगी की अहमियत कम हो जाए। घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, नए दोस्त बनाओ। इतनी बड़ी कंपनी है मेरी, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जिन पर मैं भरोसा कर सकूं, विश्वास कर सकूं। और बेटा, तुमसे ज्यादा मैं किस पर भरोसा कर सकता हूं? मुझे पूरा यकीन है ऋचा कि इस प्रोजेक्ट को तुम बहुत अच्छी तरह संभाल लोगे। लेकिन पापा, क्या मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए लंदन भी जाना पड़ सकता है? बेटा, जाना पड़ भी सकता है और नहीं भी। अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर मुझे लंदन जाना पड़ा तो, और वहां मुझे माँ और तान्या मिले, तो वो दोनों मुझसे बहुत नफरत करते हैं। मैंने फोन पे सुना था, मुझे लंदन नहीं जाना। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना मत सोचो। कोई तुमसे नफरत नहीं करता। मैं हूं ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बेटा, तुम्हें अपने पापा पे भरोसा है ना? तुम्हारे पापा कभी तुम्हें ऐसी जगह नहीं भेजेंगे जहां तुम्हें दुख पहुंचे। पापा, आप मुझसे दूर कभी मत जाइएगा। कभी नहीं जाऊंगा बेटा, कभी नहीं। क्या है जीवन कौन बताए, जैसा जिसकी समझ में आए। ज्ञानी बैठा पुस्तक बाचे, अज्ञानी ही अर्थ बताए। नीले गगन पर दोष नहीं धर, ये तो एक बहाना है। हर उलझन के चौराहे पर दिल से पूछ कहाँ जाना है। बेटा? हाँ माँ। बेटा, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे नहीं कहते माँ, अब मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले तेरी शादी हो जाती शीतल से। मेरी बहुत सेवा की है उसने, मैंने हमेशा उसे अपनी बहू के रूप में ही देखा है। लेकिन माँ, यही आखिरी इच्छा है मेरी श्रीकांत। बेटा मना मत करना। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारे दिमाग में काफी सवाल उठ रहे होंगे। सबसे पहले तुम ये जानना चाहोगी ना कि मैं तुमसे शादी क्यों नहीं कर सकता। निखत,
निखत नाम है उसका जिससे मैं लंदन में शादी कर रहा हूँ। ये बात मैं माँ से नहीं कह सकता। अगर उनसे कहूंगा तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। शीतल, मैं चाहता हूं कि तुम खुद ही इस शादी से इनकार कर दो, किसी और से शादी कर लो। तुम जिससे भी कहोगी मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मैं आपकी बात समझ सकती हूं, पर अगर आप मुझसे शादी नहीं कर सकते तो मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तो आपको मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। तो अब सिर्फ दो ही चीज होगी, या तो आप मुझे अपना सकते हैं या फिर मौत। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले तेरी शादी हो जाती शीतल से। आपको निखत नाम है उसका जिससे मैं लंदन में शादी करूँ। ये बात मैं माँ से नहीं कह सकता। तो अब सिर्फ दो ही चीज होगी, या तो आप मुझे अपना सकते हैं या फिर मौत, या फिर मौत। डैड, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब बोलो बेटा। डैड, आपके पास पुष्पा का कोई फोटोग्राफ होगा? फोटो नहीं, मेरे पास शीतल का कोई फोटो नहीं है। शीतल? फोटो नहीं, मेरे पास शीतल का कोई फोटो नहीं है। शीतल? कौन शीतल? कौन शीतल? आप ही ने तो नाम लिया शीतल। वो नहीं बेटा, मेरी शीतल इंडस्ट्री से एक डील की बात चल रही है, शायद उसी टेंशन में गलती से निकल गया। जहां तक मेरा ख्याल है पुष्पा का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। इट्स ओके, एनीवे डैड, ऑल द वेरी बेस्ट। फॉर व्हाट? शीतल इंडस्ट्रीज की मीटिंग के लिए डैड। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर। कंपनी मुझे इंडिया बेच रही है,
इंडिया मेरे लिए कोई आम कंट्री नहीं है, वहां जगतप है, मेरी बेटी रिचा है। जगतप ने मुझे देख लिया तो रिचा को देखने से खुद को कैसे रोक पाऊंगी। तान्या को मैंने रिचा के बारे में कभी नहीं बताया, उसे तो पता भी नहीं कि उसकी कोई बड़ी बहन भी है। जब तान्या को रिचा के बारे में पता चलेगा तब मैं उसे क्या जवाब दूंगी? Oh God, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दिल कहता है इंडिया जाओ, लेकिन दिमाग कहता है नहीं जाऊं। क्या बात है डैड, आज किचन में? चलिए, मॉम की तबीयत खराब होने से कम आप किचन में तो आए। और हाँ डैड, आपके ऑमलेट की खुशबू तो यहां तक आ रही। हाँ, बना तो ऑमलेट रहा था, तुम्हारे लिए भी बना दूं? नहीं डैड, अभी नहीं, मैं थोड़ा फ्रेश हूँ उसके बाद। और हाँ डैड, आज आप ऑफिस थोड़ा जल्दी नहीं जा रहे? हाँ, एक दो मीटिंग्स थी। और तुम्हारा क्या, तुम क्लिनिक नहीं जा रहे? क्लिनिक मैं थोड़ा देर से जाऊँ। वो क्यों? एक्चुअली मुझे वेम्बली स्टेशन जाना था और स्टेशन जाना था और उसके आसपास की जगह भी जाने का प्लान है। पुष्पा की तलाश में? हाँ डैड। लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि निखत ने आज से 23 साल पहले की पुष्पा जैसी एक औरत की झलक देखी है? समय, यू नो डैड, फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए एक बार कोशिश करके देखने में क्या प्रॉब्लम? मैंने भी कोशिश की है, कोई फायदा नहीं हुआ। डैड, मैं कुछ हासिल करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो डैड, मेरी एक छोटी सी कोशिश से अगर मॉम की तबीयत में थोड़ा सा भी सुधार आता है तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। तो फिर वेम्बली स्टेशन ही क्यों? पूरे लंदन में ढूंढ डालो ना, कहीं भी छुपी हो सकती है। शायद उसकी वजह से तुम्हारी मम्मी की तबीयत ज्यादा जल्दी ठीक हो जाए। नाउ कम ऑन डैड, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तुमसे तो इस बारे में बात ही करना बेकार है, जो मन में आए करो। और हाँ,
मिकत को टाइम से दवा जरूर दे देना। डैड, ये लड़का भी ऐसा है ना, कहाँ फोन रख देता है पता नहीं चल रहा। यहाँ पे किसका फोन था? समय चौहान का फोन था। अरे तो रिसीव करना था ना मॉम। मैं? हाँ मॉम, आप तो ऐसे डर रही जैसे आपके किसी दुश्मन का फोन। समय का था। मैंने आपको बताया था ना, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत ही अच्छा लड़का है। एक बात कहूँ, तुम आजकल दोस्त से ज्यादा निभा रहे हो। Can I give you advice? पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। मॉम, समय बहुत ही अच्छा लड़का है। अच्छा, मतलब अच्छे बुरे की पहचान तुम्हें मुझसे ज्यादा होने लगी है। मॉम, यू नो ही इज फ्रॉम अ वेरी कल्चर्ड, वेरी रिच फैमिली। एक बात सुनो, ये रिच होने का मतलब ये नहीं कि उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि वो लोग अच्छे हैं। ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, बड़े खराब होते हैं। उनको टाइम पास के लिए इंसान चाहिए होते हैं। टाइम पास करते वो लोग और जब काम खत्म होता है छोड़ के चले जाते हैं। यूज करते हैं लोगों को। खबरदार ऐसे लोगों से मिले तो। और दूसरी बात, खुद की पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, काम पे ध्यान दो। अच्छा काम करोगे ना तो ये दोस्ती निभाने के मौके आगे मिलेंगे तुम्हें। रिच, कमाल है, इतना परेशान क्यों हो गए? मॉम तो समय से कभी मिली भी नहीं है, उनको समय से क्या प्रॉब्लम हो सकती है?